रेवाड़ी के रामपुरा रोड स्थित धक्का बस्ती का माहौल आज उस वक्त भाजपामय हो गया जब शहर के प्रमुख समाजसेवी ठेकेदार वेद प्रकाश के मात्र एक आह्वान पर रेवाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव के स्वागत में न केवल पूरा वार्ड बल्कि भारी संख्या में शहरवासी उमड़ पड़े। लक्ष्मण यादव के पहुंचने पर ठेकेदार वेद प्रकाश के समर्थकों ने न केवल जमकर आतिशबाजी की बल्कि ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें मंच तक लाया गया। सभा स्थल पर पहुंचते ही वे ठेकेदार सहित भारी संख्या में मौजूद लोगों ने पगड़ी पहनाकर लक्ष्मण यादव का जोरदार स्वागत किया और जोरदार नारों के साथ लक्ष्मण यादव को जीत का भरोसा भी दिलाया। इतना ही नहीं, लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि वे ठेकेदार जिस भी पार्टी और जिस भी नेता के साथ लगे हैं उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा। नुक्कड़ सभा से जनसभा में तब्दील हुई। इतना भारी जनसैलाब देख लक्ष्मण यादव भी अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा कि यह पीएम नरेंद्र मोदी के प्यार और सीएम नायब सैनी व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की दीवानगी का परिणाम है कि आज उन्हें भरपूर जनसमर्थन मिल रहा है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने इस इलाके के लिए जो प्रयास किए हैं उसके चलते आज पूरे क्षेत्र का माहौल एक तरफा हो चला है और कोई दूसरा दल या उम्मीदवार उनके सामने नहीं बचा है। अंत में उन्होंने इतना भारी जनसैलाब इकट्ठा करने के लिए वेद ठेकेदार का धन्यवाद किया और कहा कि वेद प्रकाश ठेकेदार द्वारा आयोजित इस चुनावी सभा ने अब तक की हुई तमाम उम्मीदवारों की चुनावी सभाओं के रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। उन्होंने उपस्थित जनों से 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कमल का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। जनसभाएं आज आप पूरे रेवाड़ी में देख रहे हैं, गाँव में देख रहे हैं। हम करने तो नुक्कड़ सभा जाते हैं लेकिन उन पब्लिक का इतना हजूम है कि वो जनसभा में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं तो रेवाड़ी की जनता का इस बात के लिए आभारी हूँ हर नुक्कड़ सभा को जनसभा में बदलने के लिए। और यही जनसभाएं रेवाड़ी में परिवर्तन लेके आएगी। ऐसी विपक्ष लगातार हमलावर है और ये संकेत क्या दे रही है भीड़? विपक्ष कुछ भी कहता रहे क्योंकि विपक्ष को तो झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। 4 महीने पहले कह रहे थे संविधान की रक्षा करेंगे, आरक्षण नहीं देंगे, आरक्षण को हम टूटने नहीं देंगे। अब खुद ही बयान देने लगे कि आरक्षण को हम खत्म करेंगे। अमित शाह रेवाड़ी आए, आज क्या कुछ कहेंगे उसको? देखिए, आज रेवाड़ी अमित शाह जी आए थे, हमारे यशस्वी गृह मंत्री, और बहुत सारी क्षेत्र के लिए घोषणाएं भी करके गए और साथ में हम सबको आशीर्वाद भी देके गए तीनों प्रत्याशियों को। और आप देख ही रहे थे लोगों में कितना जोश और जुनून था। इस गर्मी उमस भरी गई। अभी आप कह रहे थे कि हलाल और दलाल में रेवाड़ी की जनता फंस के रह गई, इस तरह इसको थोड़ा सा बता दीजिए। वो तो मैंने बताया माइक पे, हलाल इसलिए भाई जो हलाल के लोगों के साथ रहते हैं जी। और दलाल इसलिए दलाली वोट पैसे से खरीदना चाहते हैं। ये जो हमारे पूर्वजों की देन है इसको कोई खरीद सकता है क्या? और इसको कोई आज तक किसी में ताकत हुई है क्या? अगर खरीदने की ताकत होती तो फिर पैसे वाले राज करते, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। एक नौकरी की बात और कर रहे थे कि अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिला दी। कप्तान साहब कहते हैं अगर विपक्ष के पास एक भी नाम हो तो वो हमें बदलिस्ट दे दे। भाई विपक्ष के पास तो बहुत सारे नाम है, पूरी रेवाड़ी जानती है। अपने दामाद को उन्होंने CS लगाया, अब नाम क्या होगा? ये कि दामाद है। उसने अपने भतीजे को तहसीलदार लगाया नहीं, रेवाड़ी सारी जानती है। उसके जमाने में 2 नहर बनी, वो भी अपने खेत में ले गए अंडरग्राउंड, बाहर कोई कौवा भी पानी नहीं पी सकता। एक खटावली, एक वहाँ, 2 ही तो नहर बनी। आप बाईपास देख रहे हैं, इसमें भी इतना मोड़ दे दिया, एक्सीडेंटल रोड हो गया, वो भी रिश्तेदारों को लाभ देने के लिए ही तो करा है। फिर गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन कोई खुली हो तो बता दो। अपने सारी इंस्टीट्यूशन उन्होंने अपने जनता की ताकत के बल पे खोली। यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता है, मैं यूनिवर्सिटी लाया। यूनिवर्सिटी तो भाई हुड्डा साहब इसलिए मजबूरी थी, अब उसने रोज तक के लोग यहाँ लगाने थे, इसलिए उन्होंने अपनी मजबूरी के कारण यूनिवर्सिटी दी, वरना थोड़ी देता। आज आप देखो भर्ती जाके रोज तक के लोग यहाँ प्रोफेसर, लेक्चरर और अन्य स्टाफ है। तो वो तो कहते ना, गंगा को आना था, भागीरथ को जस मिल गया। अब ये भले ही कहा जाके मैं लाया, लेकिन तू लाया तो उसमें नींव तो मजबूत कर देता, इन यहाँ के क्षेत्र के लोगों को नौकरी दे देता। नौकरी कोई और लग रहा है, लाने का फायदे क्या है? ठीक है, क्या कहेंगे अभी जो जनसभा हुई है लक्ष्मण यादव की? मैं कहूंगी कि आने वाली 5 तारीख को लक्ष्मण यादव जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। यहाँ की भीड़ और लोगों का साथ है वो लक्ष्मण यादव के साथ है, बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। तो हम, मैं कहूँगी 5 तारीख को बहुत भारी बहुमत से लक्ष्मण यादव की जीत होगी। वार्ड वासियों ने कसम खाई है, वार्ड वासी हमारे साथ है, लक्ष्मण सिंह यादव के साथ है और हमारा एक परिवार है, वार्ड में एक परिवार है, हमेशा साथ रहे।
रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।